तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लेखक ने की आत्महत्या, पुलिस ने की मामले की जांच की शुरुआत। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लेखक अभिषेक मकवाना ने खुदकुशी कर ली। अभिषेक का एक सुसाइड नोट सामने आया है। पुलिस के मुताबिक अभिषेक ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिख छोड़ा। इसमें उसने पैसे की तंगी के बारे में लिखा। बता दें कि अभिषेक ने 27 नवंबर को आत्महत्या की। घर के घरवालों का आरोप है कि अभिषेक साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुआ है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। अभिषेक को उनके मुंबई के कांदीवली स्थित घर में पंखे से लटका पाया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि अभिषेक के घर वालों को उनकी दिक्कतों के बारे में मालूम नहीं था। उनके भाई जैनिस ने बताया कि लेखक की मौत के बाद उनके आर्थिक दिक्कतों का पता चला, क्योंकि उन्हें अलग अलग नंबरों से फोन आने शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा, मैंने अपने भाई का ईमेल चेक किया तो मालूम चला कि लोग उनसे पैसे मांग रहे थे। उसने उधार लिया हुआ था और इसीलिए वो कॉल आ रहे थे। उन्हें भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कॉल आ रहे थे। उन्होंने कहा, एक कॉल बांग्लादेश से, दूसरा म्यांमार से और भारत के कुछ अलग अलग हिस्सों से कॉल आ रहे थे। चैनिस के मुताबिक भाई के ईमेल रिकॉर्ड से मुझे जो समझ में आया वो ये है कि उसने इजी लोन लिया था, उसका ब्याज बहुत ज्यादा था। उन्होंने बताया कि मैं जब भाई के ट्रांजेक्शन पर ध्यान दी तो मुझे मालूम चला कि लोन लेने वाले भाई के बिना मांगे ही उसे छोटी मोटी रकम भेजते रहते थे। उसकी ब्याज की दर 30% थी, जो बहुत ज्यादा है। चारको पुलिस स्टेशन के मुताबिक अभिषेक के परिवार ने पुलिस को कॉल वाले नंबर्स और ईमेल से जानकारी दी है, जिसकी जांच की जा रही है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।